वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि इश्क में मजा सीजन 3 में रियांश जोड़ी को लाया जाएगा, वंश और रिद्धमा का कैरेक्टर लाया जाएगा या नहीं। इसके रिलेटेड जो है मैं कंफर्म न्यूज़ बताने वाली हूँ, और रियांश का बेबी लाया जाएगा या नहीं इसके रिलेटेड भी जो है कुछ अपडेट्स मिले हैं, सो उसको भी मैं जो है आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस फर्स्ट अपडेट जो है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट अपडेट ये है कि इश्क में मजा सीजन 3 अगर आया तो ममता मैम ने तो कंफर्म किया है, कल ही ट्वीट करके उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ हाँ लाएंगे, मैं लाऊंगी इश्क में मजा सीजन 3 को जल्दी। सो ये तो कंफर्म हो चुका है आएगा। सो अब राहिल के साथ आएगा या फिर कोई न्यू जोड़ी क्रिएट की जाएगी, जैसे कि सीजन 1 में अरदीप जोड़ी थी लेकिन सीजन 2 में रियांश जोड़ी आई, मतलब एक न्यू जोड़ी रियांश जोड़ी को क्रिएट किया गया है। सो सीजन 3 में क्या एक न्यू जोड़ी को क्रिएट किया जाएगा या फिर वही दूसरी जोड़ी को जो है दोबारा दिखाया जाएगा, मतलब रियांश जोड़ी को जो है दोबारा दिखाया जाएगा। सो गाइस ये तो सिंपल सी है, मतलब इश्क में मजा सीजन 3 में जो है सीजन 2 पॉपुलर हुआ है रियांश के लिए, सो सीजन 3 में भी रियांश ही रहेगा, वरना कैसे पॉपुलरिटी बढ़ेगी इश्क में मजा सीजन 3। और ममता मैम ने कल साफ साफ ही ट्वीट करके बताया है, उन्होंने बताया कि इश्क में मजा सीजन 3 में मैं जो है राहिल को लाऊंगी कहा है। सो गाइस वो अगर उन्हें अगर राहुल सी और हेलिशा अगर फ्री रहे सो वो ज़रूर लेंगी गाइस, वरना उनका शो का पॉपुलरिटी नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा दिन तक शो नहीं टिके रहेगा टीवी पे, OTT पे भी जाएगा तो अफेयर हो जाएगा एक ना एक दिन। सो गाइस अब दूसरी अब सेकंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि रियांश का मतलब वंश राय सिंघानिया और रिद्धमा का जो है कैरेक्टर क्या दिखाया जाएगा। सो वंश इस बार मतलब वंश का ऐसा एक लुक है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर इस बार स्टोरी कुछ अलग होगी, वंश रिद्धमा का बेबी होगा, मतलब बेबी का सीन जो है पहले जैसा वंश और रिद्धमा पॉजिटिव रोल में थे अब क्या नेगेटिव रोल में आएंगे, और फिर कोई न्यू एंट्री मतलब जैसे सीजन 1 का तारा थी आरोही थी वैसे अब का कोई डबल रोल वाला एंट्री एक क्रिएटर किया जाएगा या फिर नहीं। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, ऐसा तो कुछ अपडेट्स नहीं आ रहे। और इश्क में मजा सीजन 2 में जो है और राहुल सुधीर को आप लोगों को पता होगा, राहुल सुधीर में खुद ही मना करिए एक जो मतलब क्या कहते हैं गाइस, सो एक मतलब विलन वाला रोल जो है उनको जो प्ले करना अच्छा नहीं लगता है, और उनको जो है मतलब गुस्सेल वाला ऐसा मतलब जिसमें ज़्यादा जो है मतलब गुस्सा होने वाला सा वंश राय सिंघानिया का किरदार उन्होंने जो इश्क में मैं जाऊँ सीजन 2 में प्ले किया है वैसा वो किरदार तो प्ले नहीं करना चाहते हैं, अभी कुछ दिनों के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि पूरे लाइफ मतलब उन्होंने उनके पूरे लाइफ में वो ऐसा किरदार नहीं निभाएंगे, मतलब थोड़ा जिसमें जो है थोड़ा गुस्सेल वाला किरदार होगा जैसे वंश राय सिंघानिया का किरदार था ऐसे धमकी देने वाला ऐसा, मतलब वो जो है ऐसा गुस्सेल वाला गुस्सा वाला जो है किरदार वो प्ले करना नहीं चाहते। और रिद्धमा की बात आती है, हेलिशा भी फ्री हैं और उनको जो है भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे जो है अप्रोच किए गए हैं, बिग बॉस 15 के लिए अप्रोच किया गया है, नागिन 6 के लिए अप्रोच किया है, और उनको जो बिग बॉस 15 के लिए अप्रोच किया गया था उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया है, बट अभी नागिन 6 का जो है उन्होंने कुछ कहा नहीं है। सो अभी जो है नागिन 6 के रिलेटेड उनके रिलेटेड कोई अपडेट्स नहीं आ रहे। और रिद्धमा की बात आती है, सो रिद्धमा और वंश अगर रहेगा सो रिद्धमा कैसे नहीं रहेगी, अगर रियांश जोड़ी अधूरी तो नहीं रहेगी गाइस, मतलब अधूरी मतलब क्या है, वंश रहेगा और रिद्धमा नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। और रियांश की बेबी की बात आती है, सो गाइस इश्क में मजा सीजन 2 में तो रियांश का बेबी दिखाया जाता, बट जो है ममता मैम जो है उन्होंने शो को अचानक से ऑफेयर कर दिया, सो अब उनको जो है लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट करना था 5 जुलाई को, सो कैसे करती रियांश बेबी। और अभी COVID-19 का आप पता है कैसे चल रहा है, मतलब इतने बढ़ रहा है COVID-19 हर जगह COVID-19 मतलब अभी बढ़ चुका है, इसलिए इश्क में मजा सीजन 2 का लास्ट एपिसोड में वियर मेंशन तो नहीं दिखाएगा, और सिलीगुड़ी में लास्ट एपिसोड शूट होता है ये तो आप लोगों को पता है। सो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, सो गाइस ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मतलब अभी बेबी का जो शूट है वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी COVID-19 चल रहा है, सो बेबी को जो है ज़्यादा मतलब कोई बच्चे को जो है ज़्यादा खतरा होता है, सो इसलिए बेबी का शूट जो है नहीं दिखाया गया। और ममता मैम को जो है शो का डीएंड करना था, एंडिंग एपिसोड करना था, सो उन्होंने एंडिंग एपिसोड जो है कर चुकी हैं, और वो बेबी को अगर लाती सो बेबी का जो है पूरा भी बड़ा पन तक मतलब वो जब तक कि बड़ी नहीं हो जाती, अगर बड़ा नहीं हो जाता जो भी मतलब होगा रियांश का बेबी होता सो बड़ा हो नहीं जाता, सो वो कैसे शूट करती। और अभी उनको जो है ऑफर कर दिया उन्होंने अचानक से कुछ रंग प्यार कैसे भी शो को मतलब उन्होंने फोकस किया और इसको ऑफर कर दिया OTT
कम्युनिटी से। सो अब सीज़न 3 जो है उनके दिमाग में आया है ये बात, सोशल मीडिया में इतना, मतलब सोशल मीडिया में इतना ट्रेंड हो रहा है, इतना ही हो रहा है, ममता मैम को जो है पागल कर दिया है इस सब ट्रेंड्स देख के। सो उन्होंने, उनके दिमाग में आया होगा कि हम, मैं अगर इश्क में मर जाऊँ सीज़न 3 को लाऊँ तो कैसा होगा। सो आप लोगों का आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को है पूरा समझा के बता दिया है कि वंश, मतलब राहुल जी जो है अभी वो ज़्यादा जो है, मतलब ज़्यादा जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिस अच्छे कैरेक्टर में, सो वो कैरेक्टर जो है वो अभी प्ले करना नहीं चाहते। और हेलिशा भी फ्री हैं, हेलिशा को बिग बॉस 15 और नागिन 6 के लिए ऑफर है, लेकिन उन्होंने बिग बॉस 15 के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्होंने नागिन 6 के लिए मना नहीं किया, मतलब कुछ भी अभी नहीं किया है, शाइन भी नहीं किया है। और सब जो है ये सब मैंने बेबी के रिलेटेड भी मैंने अपडेट दिया है इस वीडियो में। सो या गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड देन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो या गाइस, अभी जो है आप लोग को इस चैनल पर जो है बहुत सारे ऐसे ही लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ जो है मिलते रहे। सो या गाइस, अगर कोई अपडेट मिलता है, मिलती हूँ, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।